इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। ये तस्वीरें हैं उस गाड़ी की जिससे उन्नाव रेप कांड की पीड़िता अपने परिवार और वकील के साथ जेल में बंद अपने चाचा से मिलने रायबरेली जा रही थी, जहां बारिश के बीच रास्ते में एक ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि ट्रक गलत साइड से आ रहा था और उन दोनों की भिड़ंत इतनी भीषण थी कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। इस हादसे ने देश के सबसे बड़े सूबे की सियासत को हिलाकर रख दिया है। पीड़िता इस वक्त KGMU के ट्रामा सेंटर में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है। पीड़िता की चाची और मौसी ने तो हादसे में ही दम तोड़ दिया, वहीं केस के वकील की हालत भी बेहद नाजुक बनी हुई है। इस एक्सीडेंट को लेकर योगी सरकार घिरती नजर आ रही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बाद अब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी BJP पर सवाल उठाते हुए कहा है कि बलात्कार पीड़िता के साथ सड़क दुर्घटना का हादसा चौंकाने वाला है। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि इस केस में चल रही CBI जांच कहां तक पहुंची? आरोपी विधायक अभी तक भाजपा में क्यों है? पीड़िता और गवाहों की सुरक्षा में ढिलाई क्यों? इन सवालों के जवाब बिना क्या BJP सरकार से न्याय की कोई उम्मीद की जा सकती है? गौर करने वाली बात ये है कि गाड़ी में मौजूद सभी लोग इस केस में CBI के गवाह थे। पीड़िता के पिता एक साल पहले ही पुलिस कस्टडी में दम तोड़ चुके हैं, चाचा अब भी जेल में है, तो वहीं दो और गवाहों ने भी दम तोड़ दिया है। वहीं एक गवाह यानी पीड़िता जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। उन्नाव की रेप पीड़िता के रायबरेली में हुए एक्सीडेंट के बाद से इस पूरे मामले पर सवाल उठने लगे हैं। हमने कुलदीप सिंह सेंगर के घर पर जाकर उनके परिवार वालों से रिएक्शन की कोशिश की है, लेकिन परिवार पूरी तरीके से टाइट लिप्ड है, कोई बोलना नहीं चाहता। ये आधिकारिक आवास है कुलदीप सिंह सेंगर विधायक का, जो इस समय सीतापुर जेल में उसी आरोप में बंद है, लेकिन परिवार के तरफ से कोई इस बारे में बोलना नहीं चाहता। हालांकि जो पीड़िता का परिवार है, उसकी मां ने सीधे सीधे फिर से आरोप लगाया है कि ये विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने इस पूरे हादसे को, इस पूरे दुर्घटना को अंजाम दिया है। परिवार का कहना है कि जो हमारी फ़ोन पर बात हुई है उसके मुताबिक वो इसमें कहीं से इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन खुलकर वो मीडिया के सामने आकर बोलना फ़िलहाल नहीं चाहते। नीरज कुमार के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ।